जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। नीलाद्रौ शंख मध्ये शतदल कमले रतन सिंहासनस्थम सर्वालंकार युक्तम नवघन रुचिरम संयुतम चाग्रजेन भद्रायां वाम भागे रथचरणयुतम ब्रह्मरुद्रेन्द्रवंद्यम देवानां सार मीशं स्वजन परिवृतम ब्रह्मदारो स्मरामि दारु ब्रह्मं भजेहं। अनंत कोटि ब्रह्मांडर हर्ता कर्ता दैव विधाता श्री श्री नीलाद्री मंडप रे उपवेशन करिथिबा चतुर्धा मूर्तिंकर श्री चरणारविंद रे अनंत कोटि प्रणाम पूर्वक आमर जय जगन्नाथ टीवी माध्यम रे दर्शन करुथिबा समस्त दर्शक बंधु को आंतरिक सम्मान प्रणाम पूर्वक अधम पद्मनाभ श्रीक्षेत्र जो महान दृश्य को आपण माने अवलोकन करुछंती ये दृश्य जहाँ कि संसार सबुठारु श्रेष्ठ दृश्य आउ एभली दृश्य पृथ्वी रे कोठी नाही तेनु जेते बेले रे आखि पड़ी जाए श्रीक्षेत्र उपरे कहा माध्यम रे जय जगन्नाथ टीवी माध्यम रे कारण आउ कौनसी बहुत गणमाध्यम थिले मध्य महाप्रभुंकर सीधा प्रसारण रे जगन्नाथ महाप्रभुंकर रीति नीति ठारु आरंभ करी प्रत्यह समस्त प्रकार लीला एवं श्रीक्षेत्र दर्शन केवल जय जगन्नाथ टीवी रे ही आपण माने दर्शन करुछंती तेणु ये प्रथमतः प्रातः काल आपण माने महाप्रभुंकर द्वार फिटा ठारु नीतिकांति महाप्रभुंकर दर्शन कलेनी भगवान पति तपावन नारायण निश्चल भावरे भगवान तड़प उत्तरी लागी है बसी एवं प्रभुंकर ये जो पुरुषोत्तम क्षेत्रटी ये पुरुषोत्तम क्षेत्रटी होती महान क्षेत्र ये महाप्रभुंकर रात्र चारिटा अठाईस ठारु द्वार फिटा नीति अनुष्ठित तो है प्रभुंकर मंगला आलत्री जहाँ बढ़ी सारी मंगला आलत्री पर प्रभुंकर अवकाश नीति ये अवकाश नीति होती स्वतंत्र जहाँ श्रीमंदिर मध्य वैदिक परंपरा रे पालन करा जाए था वैदिक परंपरा कहले कौन ना ये हूँ पंचरात्रगत विधि नाम पांचरात्र विधि रे प्रभुंकर सब गुड़िक सेवा पूजा भल मंद अच्छी से आपण माने देखिबे इठी होउचंती वैदिक मंत्र प्रयोग अच्छी तंत्र प्रयोग रही कौलाचार विधि अच्छी एवं स्थान महात्म्य अनुसार महाप्रभुंकर होउचंती प्रत्येक नीतिकांति अच्छी तेणु ये उत्कलर महान स्थान खाली उत्कलर तो नुह समग्र पृथ्वी रे महान स्थान जगन्नाथ मंदिर कहले अत्युक्ति हम ना कारण ये मंदिर भी आठी ना कि द्वितीय मंदिर हो पारन जेहेतु महाप्रभुंकर केवल मंदिर को रक्षणाबेक्षण करने जुगरे
आमे बहुचंती बहुत जदि आमर टेक्नोलोजी बहु आगो को जाई तथापि आउ एभली मंदिर कौनसी स्थान आउ निर्माण होबार कहीं देखा जाऊ ना ये भास्कर जो ये जो होती महान भास्कर ये महान भास्कर उत्कलीय कला कौशल सबुतक एकाठी कर विश्वकर्मा श्री जगन्नाथ मंदिर रखिंट आज आम महाप्रभु ये क्षेत्र दर्शन करने सहित आपण मैंने देखुंत आनंद भक्त मैंने महाप्रभु श्रीमंदिर अंतर प्रदेश को दर्शन पर चलते इंग्राजी नुआ वर्ष जेहेतु आग को आसुच्च भक्त मान श्रीक्षेत्र को आगंतुक बढ़ुच आमे आमर जय जगन्नाथ टीवी जो दर्शक माने दर्शन करुंट महाप्रभु पतित पावन नारायण को एवं विविध लीला सब दर्शन करुंट भगवान कथा श्रवण कर जगन्नाथ महाप्रभु को समस्त दर्शन करने को आसवाक बेगर यहाँ निश्चित सन्देह ना तथापि जे खाली ये नुआ वर्ष भितर दर्शन कले हम ना आईपरबनी सहीटा भी ठीक नुह तेणु समस्ते महाप्रभु को दर्शन करने को आसतु कितु पर्याय क्रम आसतु एककालीन समस्त आसिले इटि श्रीमंदिर जो व्यवस्था अच्छी से व्यवस्था ठारु ऊर्ध लोक हेले आउरी असुविधा कथा तेणु महाप्रभु प्रति समस्त अनुराग रहिबो प्रत्येक दिन जो भाव में पूर्व सब भक्त आसी दर्शन करुले से भाव में भक्त मैंने निर्दिष्ट करूँ हाँ आज जीवानी कल जीवा असुविधा किसी ना तेणु भिड़ समय आसी पुणी भिड़ जमा करवा ये ठीक लगुना तेणु जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन चिंता करुंज भक्त मैंने पर्यायक्रम आसिले महाप्रभु दर्शन ठीक भाव में पाईपर जदि एककालीन आसवे तेल भक्त को अपेक्षा करने पड़ो भिड़ जोर हम तेणु निश्चित भाव में हो समस्त भक्त मैंने दर्शन करने संभव कथा नुह महाप्रभु ये क्षेत्र में अनेक उपासना अच्छी आम हनुमान उपासना मध्य हनुमान विविध रूप अनेक रूप मध्य महाप्रभु कानपाता हनुमान गोटे रूप रही तेणु कानपाता हनुमान जो अच्छा श्रीक्षेत्र सर्वाद ये गोटे प्रमुख भूमिका रही महाप्रभु जेहेतु होती अनंत कोटि ब्रह्मांडर हर्ता कर्ता दैव विधाता से जगन्नाथ महाप्रभु पाखरे तीन जुगर नीति ये कलिकाल चली तेणु सत्य त्रेतया द्वापर ये तीन जुगर नीति की नहीं वर्तमान कलि युगरे महाप्रभु पाखरे ताहा अनुष्ठित होती सेनु आपण माने देखिबे जे प्रभुंकर भक्त कहिले हनुमान मध्य तहुचंती तीन युगर भक्त खाली त्रेतयार नुह से सत्य रे अछंती त्रेतयार रे अछंती द्वापर रे अछंती वर्तमान अछंती इथि पाई से होचंती चिरंजीवी सप्त चिरंजीवी को मध्य रे हनुमान होचंती अन्यतम बड़ विचित्र प्रकार स्वरूप महाप्रभुंकर हनुमानकर ना स्मरण कले भय त्रास हो जाए आपण मैंने देखिए खाली हनुमान को उच्चारण कले जिते भय था भय चाड़ी हनुमान स्वरूप को चिंता कला बेलू से नर एवं बानर यह गोटे हूँ जटिल प्रश्न नर बानर यार सम्यक समाधान एपर्तंत हो पारिना हनुमान जदि पशु होते से ज्ञानी नाम अग्रमण्य किपर जदि हनुमान को आम पशु बोली चिंता करवा ताले सी पुणी सर्वज्ञानी ऊर्धर ज्ञानी नाम अग्रगण्यम तेणु हनुमान को आम देवता भाव ग्रहण करे जत ऋष्यमुख पर्वत पाखरे श्रीराम को प्रथम बटु रूप हनुमान को सह देखा कारण प्रथम
ହନୁମାନଙ୍କର ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହେଲା ସେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ଆସିକିରି ଦେଖାଦେଇଥିଲେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ, ତେଣୁ ବଟୁ ରୂପରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତ ପାଖରେ। ସେତେବେଳେ ହନୁମାନଙ୍କର ବାକ୍ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ ଯୁକ୍ତ କଥୋପକଥନରେ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଯିଏ ଭଗବାନ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଗଲେ ହନୁମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରିୟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନେନମ ସର୍ବେ ତିଷ୍ଠନ୍ତି ଜନ୍ତବମ ତସ୍ମାତ୍ ତଦେବ କିମ୍ ବଚନେ କା ଦରିଦ୍ରତାମ। ଆମେ ସଦାବେଳେ ବାକ୍ୟ ସଂଯତ କରି ବାକ୍ୟକୁ ମଧୁର ବାକ୍ୟ କରିବା, କାରଣ ବାକ୍ୟଟା କଟୁ ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟକୁ ସଦାସର୍ବଦା ମଧୁର କଲେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଠି ତା'ର ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ ପାଇଲେ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ପ୍ରଥମରେ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତ ପାଖରେ ମହାପ୍ରଭୁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଲେ ପ୍ରଥମରେ ସେ ବଟୁ ରୂପରେ ଯାଇକିରି ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ନୀନମ ବ୍ୟାକରଣମ କୃତସ୍ନମନେନ ବହୁଧା ଶ୍ରୁତମ ବହୁ ବ୍ୟାହରତାନେନ ନ କିଞ୍ଚିତ ଅପସଦ ବିଦମ। ଅର୍ଥାତ୍ ନୂନମ ବ୍ୟାକରଣମ କୃତ ସୁମନେନ ବହୁଧା ଶ୍ରୁତମ। ହେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଜଣାଯାଉଛି ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ହନୁମାନ, ବ୍ୟାକରଣ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିଅଛନ୍ତି। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏତେ ଦୀର୍ଘ କଥୋପକଥନରେ ସେ କୌଣସି ଅପଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ହନୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କାହାରି ସନ୍ଦେହ କରିବାର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ତାଙ୍କୁ ହେଉଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ କହିବା ଅଲଗା କଥା। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ତାଙ୍କର ଭାଷା ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଦ୍ୱାରା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର କୁହାଯାଇଛି ଜଳ ପ୍ରମାଣମ କୁମୁଦସ୍ୟ ନାଳମ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରମାଣ ମୁଖ ଭାଷଣଞ୍ଚ। ଜଳ କେତେ ଅଛି ପୋଖରୀରେ ତା ଭିତରେ ପଶିକି କେହି ମାପନ୍ତିନି, ଭିତରେ ପଶିକି ମାପିଲେ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଗୋଟେ କଇଁ ଫୁଲର ନାଡ଼ କି ପଦ୍ମ ଫୁଲର ନାଡ଼କୁ ଯଦି ଆଣିକରି ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ମାପିଦେବା, ତାହେଲେ ଜଳ ଜାଣି ହେଇଯିବ। କୁମୁଦସ୍ୟ ନାଳ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରମାଣମ ମୁଖଭାଷଣଞ୍ଚ। ବିଦ୍ୟା କ'ଣ କିଏ କାହା ପାଖରେ କିଛି ଅଛି ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଜାଣି ହେଇଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରମାଣମ ମୁଖଭାଷଣଞ୍ଚ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ସେଦିନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କର କଥୋପକଥନରୁ ଇଏ ମହାନ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟାକରଣରେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ସେ କଥା ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁ ବ୍ୟାହର ତାନେ ନ କିଞ୍ଚିତ ଅପଶବ୍ଦ ବିତମ, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଅପଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ତ ବାହାରିନି, ତେଣୁ ଇଏ ମହାନ ଜ୍ଞାନୀ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଚାର କଲେ ଦେଖାଯାଏ ହନୁମାନଙ୍କର ବହୁ ରୂପ ଅଛି। ଗୋସ୍ୱାମୀ ହନୁମାନଙ୍କ ଚାଳିଶାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ଧରି ସିଅ ହି ଦେଖାୱା ବିକଟ ରୂପ ଧରି ଲଙ୍କା ଜରାବା। ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ହେଇପାରିବେ ଭଗବାନ ସେଇ ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ଯିଏ ହନୁମାନ, ବିକଟ ରୂପ ମଧ୍ୟ ସେ ହେଇପାରିବେ ଯାହା
लंकागढ़ से प्रदर्शन करनेक समय स्वरूप को सी प्रकाश कर तेणु हनुमान सूक्ष्म रूप से सीता ठाप कर विकट रूप से लंका दहन करीम रूप धरी असुर मान को बद्ध कर तेणु तांकर अनेक रूप यह व्यतीत हनुमान अति सहजरे अल्प समय मध्य निजर अवयव परिवर्तन कर पारुथिले ये होंगे हनुमान गोटे प्रथम कार्य जी कि बहुत कम समय मध्य से रूपर परिवर्तन करि पारंती तेणु ये होंगे महान ज्ञान प्रतीक कहले अत्युक्ति हम ना हनुमान जेतेबेले समुद्र डेई लंकागढ़ प्रवेश कले मशा सदृश छोट रूप धारण करथिले तुलसीदास लिखिछन्ति मशक रूप कपिरी अर्थात गोटे मशक समान रूप को धरिकी कपिश्रेष्ठ हनुमान सेतेबेले होउछन्ति लंकागढ़ को पुणी से हनुमान प्रथम विभीषण देखाला हनुमान विप्र रूप धारण करमानस विप्र रूप धरी हनुमान प्रथम लक्ष्मण देखा से हनुमान बटु रूप धारण एवं तुलसीदास लिखी से बटु रूप की तेणु एथिरु प्रमाण मिलुछि जे हनुमान केवल होउछन्ति बहुरूपी नुहति से मध्य रूप परिवर्तनकारी अर्थात प्रत्येक रूप सीम परिवर्तन मध्य करि पारन्ति किंतु हनुमानकर कार्यालयरु जना जाय जे से साधारण पात्र रूपरे कर प्राथम कार्य साधन करियछन्ति तेणु मन स्वत प्रस्तुत उठिब हनुमान बानर रूप कहीं धारण कले ए विषय तुलसीदास गोटे विषय अवतारणा कर देवर्षि नारद मन में काम को अहमिका जात है भाव भगवान को प्रकाश कले भगवान कहारी नुंति से समस्त से कहारी गर्व सही पारती ना नारद चलीगला भगवान माया रचना कर बैकुंठपुर को अपेक्षा अधिक सुंदर करी एक पुर रचना कर सही पुर राजा विश्वमोहिनी नाम गोटे अपूर्व सुंदर कन्या थी श्री नारद से ही पुर को जीवा राजा यथोचित सम्मान देखते कन्या को नारद को देख तार भविष्य विषय में जिज्ञासा कले नारद मायार वशवर्ती हुई से अपरूप सौंदर्यमयी कन्या मनरे काम भाव जाग्रत है से सेठारु फेरी मने मने चिंता कले हरि को स्मरण कर दिव्य रूप प्राप्त हुए ताहले से कन्या टिकी वरण करता ये कथा नारद भाविले कहले मुझे केवल हरि को छड़ा आउ दिव्य रूप कहार ना तेणु हरि जदि कृपा कर दिव्य रूपटा दिये मुझे ये कन्या टिकी वरण होती सी मत मन को वरण करता एक हनुमान जानी एपरी भाव से भगवान निकट को गले एवं भगवान को नारद निजर मनोभाव प्रकाश कर भगवान विश्वमोहन रूप को पाइबापी बर मागिले भगवान कहले अच्छा तुम्हारो जहा हित मुझे करी कारण भगवान जादृशी भावना जैसी सिद्धि भवती तादृशी ईश्वर कौन करती जी जो प्रकार रे चिंता करे कह जाए जहारो जे भाव देखी नाब मु दियोखी जहार जो प्रकार भाव भगवान से ही प्रकार चलकी दिखते एपरी भावी भगवान को निकट को गले भगवान को नारद निजर मनोभाव प्रकाश करी भगवान विश्वन रूप को पाइबापी बर मागिले तेणु भगवान कहले अच्छा तुम्हारो जहाँ इच्छा तुम्हें से जाओ
विश्वमोहिनीकर स्वयंवर सभा बहुदेशरु राजकुमार गण आसी थांती नारद मध्य उपस्थित हेले नारदंक पाखरे दुई जण रुद्रगण बसी नारदंक रूप को व्यंगरे प्रशंसा करथांती मायापति भगवान मध्य सेठिकी जाइथिले कुमारी मर्कट बदना नारदंक पाखकु जिबाकु घृणा कले शेषरे भगवान को गोलारे वर्णमाला देले एथिरे नारद अत्यंत क्षुब्ध हेले से भाविले भगवान निजे ये कुमारी को विवाह करिवा को मनस्थ करथिबारु ताकु मर्कट रूप प्रदान करथिले कामोही क्रोधर जनक तेनु पर मुहूर्त भगवान से ही कुमारी सह आसुथिबार देखि नारदंकर क्रोध द्विगुणित होइगला से भगवान को धिक्कार कले शेषरे से भगवान को अभिशाप देले जे जेहेतु भगवान नारद को नारी सुखर वंचित कले भगवान राम अवतार रे नारी विरह जनित दुख भोग करिवे ओ शेष को बानर आकृति कपि माने भगवान को सहाय होई सेई दुखर मोचन करिवे भगवान रहस्य बदन रे देवर्षि को अभिशाप ग्रहण कले अर्थात कहले ठीक अछि अतीब साहस सार सहित सत्साहसर सहित भगवान देवर्षिंकर से अभिशाप ग्रहण कले एवं तापर भगवान अंतरहित जनित होइगले सेठ अंतर ध्यान हो जाइछंती माया मध्य हटिगला देवर्षि नारद प्रकृतिस्थ हेले निजर भ्रम जोगु अनुताप कले किंतु अभिशाप कार्यकारी हेला केतेकंक मतरे आपण माने देखिबे अनेक ज्ञानी माने जेतेबेले भगवान नर रूप अवतार ग्रहण कले सहायक देवतागण बानर रूप से जन्म ग्रहण करथिले बोली तुलसीदास लिखिछन्ति तेणु निज लोक ही विरंची गे देवन लहई सिखाई बानर तनु धरी मही हरी पद से बहु भाजा भाई तेणु यही भाव में तुलसीदास ताकु कलम करमें हनुमान जो अपूर्व प्रकार लीला को जदि स्मरण करवा भगवान श्रीराम रूप से दशरथ घर जन्म हेबे बोली शून्यवाणी है तापर ब्रह्मा देवता कहले जे तुम्हें बानर रूप धरी नर अवतार प्रभु सेवा कर या कही ब्रह्मा निज भगवती भवन को चलीगले हनुमान महादेव शिवंकर एकादश रुद्र अवतार रूपे परिचित से दृष्टि से बानर रूप ग्रहण करते बानर रूप ग्रहण करार आउ गोटे तात्पर्य से बानर साहाकारी बानर केभे आमिष ग्रहण करे नाही तेणु सदा बेले से भगवान को साहानिए एवं तार खाद्य पदार्थ मध्य साकार सदा बेले बानर मान होती साकार सेतिपाई सात्विक गुण संपूर्ण ब्रह्मचारी हनुमान बानर रूप धारण करपरी विभिन्न मत देखा जाए ता भितरे देवतांक मनरे हनुमान विचक्षण बुद्धिमान चतुर वेदज्ञ व्याकरण न्याय एवं विविध शास्त्र संपन्न हेतु ज्ञानी मानक मध्यरे अग्रगण्य तेणु से बानर होई पारिबे नाही हनुमान निश्चय नर आउ केतेकंक मतरे हनुमान विशिष्ट कार्यावली जथा समुद्र लंघन सीतांकु ठाबो लंका दहन लक्ष्मण को पाई गंधमार्दन पर्वत बोही आणिबा इत्यादि बानर रूप से ही साधित होइछि तेणु हनुमान जदि आम बानर बोली चिंता करूचे तथापि तांकर दिव्य ज्ञान थिला से महामानव मध्य कहिले तांको अत्युक्त बनाय एहा व्यतीत आउ गोटे तृतीय मत कथा थाए जहाँ आउचंती विविध प्रकार शास्त्र आसुची हनुमान नर और बानर उभय अर्थात से माने युक्ति दर्शाई विविध शास्त्र रे हनुमान मूलतः नर से नर न होइथिले वेद व्याकरण न्याय शास्त्र अध्ययन करी से पारंगम हो पारे किपर से बा ज्ञानी श्रेष्ठ कहे किपर तेणु हनुमान रूप परिवर्तन रे पटु होइथिबारु से विभिन्न समय रे भिन्न भिन्न रूप धारण करी भिन्न भिन्न कार्य संपादन करते बटु रूप से
केतेबेले विप्र रूप रे केतेबेले मशक समान क्षुद्र रूप रे केतेबेले बानर रूप रे हनुमान विभिन्न समय रे भिन्न भिन्न क्षेत्र रे विभिन्न रूप रे अवतीर्ण होइछंती समान मध्य युक्ति दर्शाइछंती जे नर ही केवल साधन बल रे विभिन्न स्थूल रूप और सूक्ष्म रूप धारण करबा को समर्थ हुए तेनु केवल नर जदि चिंता करबा अमर परकाय प्रवेश विधि अछि अनेक मध्य होउछंती शास्त्र रहिछि जहाँ बल रे शरीर परिवर्तन करि परिबे जहाँ को आचार्य पाद शंकराचार्य आदि शंकराचार्य जतेबेले रे काशी धाम रे पहुंचले सेतेबेले से रूपर परिवर्तन करथिले रूपर परिवर्तन कोन गोटाय जगह रे तांकर शरीर को छाड़ी अन्यत्र आउ गोटे राजांक शरीर रे तांकर प्रवेश हे से मध्य होउछंती शास्त्र अवलोकन करथिले पुनर्बार अमरक राजांकर शरीर रे या मध्य अमर आचार्य पाद आदि शंकराचार्यंकर होउछंती ज्ञान रो जेहेतु से मूर्तिमंत विग्रह से मध्य शरीर रो होउछंती परिवर्तन करिवार शक्ति तांक पाखरे थिला तेणु से भली भाव रे त्रेता युग रे हनुमानंकर मध्य होउछंती अनेक शरीर परिवर्तन जेहेतु थिला से निश्चित भाव रे नर जदि न होइथांते ताले एते गुडे साधन केमिति करले तेणु निश्चित भाव रे प्रभु सबुठारु रहस्यावृत हनुमान को एपर्यंत केही मध्य जानि पारि नाहाती से कोन पशु केबे रूप परिवर्तन करिवा संभव नहो जदिओ विभिन्न कहानी रे पशु रूप परिवर्तन करिवा कथा सुना जाए किंतु पशु केवल अन्य पशु रूप धारण करि पारे किंतु पशु केबे चैतन्य युक्त प्राण अर्थात नर रूप धारण करि पारिबो नाही शास्त्र रु जना जाए हनुमान अणिमा लंघिमा प्रभृति अष्टसिद्धि साधन करथिले तेणु एथुरु प्रमाण मिले तत्वदर्शी ज्ञानी श्रेष्ठ हनुमान नर तेणु नर रूप रे अवतीर्ण होई विभिन्न रूप माध्यम रे भिन्न भिन्न लीला संपन्न करिछंती हनुमान चिरंजीवी होइथिबारु से अनंत महाकाल पर्यंत तांकर स्वरूप थाए तेणु जे अनंत जे असीम जे सर्वदा एवं सर्वथा होउछंती विद्यमान तांकु निर्दिष्ट माने ससीम रूप रे आबद्ध करि रखिबा संभव नहो तेणु हनुमान निश्चित भाव रे यही मध्य आबद्ध होती हनुमान से विविध रूप जिते हेले पाखरे मनुष्य भाव मध्य थिला विविध समय रे मनुष्य आमे तांको मध्य मनुष्य रूपधारी कही पार एतद व्यतीत आमे मध्य जो कानपाता हनुमान आमे मध्य आलोचना अनेक हनुमान अच्छा नाम अनेक हनुमान अनेक स्थान रे विभिन्न कार्य अनुसार ना हो ना अनुसार कार्य अनुसार केमिति आपण देखिबे विविध स्थान रे हनुमान अनेक कार्य करिछन्ति जो गुडाक असाध्य कार्य श्री जगन्नाथ महाप्रभु येउछन्ति आमर नित्य वैकुंठ रे अछन्ति नित्य वैकुंठ आउ पृथ्वी रे कोठि वैकुंठ राई आमे पुराण पृष्ठारे जहाँ पढ़ुचे क्षीरसागर रे अनंत साई विष्णु सोइचंती लक्ष्मी पाद मंचाळुचंती सरस्वती वीणा वादन करचंती सप्त ऋषि माने छिड़ा हेकि स्तुति मुद्रा रे अछंती एवं समस्त जाग्रत ही वैकुंठ रे महाप्रभुंकर सेवा पाई तैयार अछंती एतद व्यतीत सनक सनंद इत्यादि चतुसन मध्य महाप्रभु को स्तुति मुद्रा रे अछंती जे कि वैकुंठर ये होउछंती बाल ब्रह्मचार्य सेथिपाई ए जो कथा गुड़िक पुराण पृष्ठारे आमे पढ़े से पुराण पृष्ठार कथा गुड़िक होउछंती केवल आम मानकर भाव भक्ति भगवान को प्रति अनुराग आसीबा पाई ए सब पुराण मानकर सृष्टि वेद व्यास ताकु गोटे गोटे प्रकार व्यवस्था मध्य व्यवस्थीकृत करी भगवान प्रति केमिति मानव मानकर सदा सर्वदा जुगे जुगे आस्था विश्वास रहिबो सेई
धर्मधारा को उज्जीवित रखिबा पई वेद व्यास महान प्रयास पुराण माध्यम जदि आम केते गुड़िए जाउचंती दर्शन शास्त्र तत्वशास्त्र न्याय शास्त्र ये सब अनेक प्रकार शास्त्र अच्छे ता भीतर को प्रवेश करिबा तबे निश्चित भाव रे भगवान भगवान सब हनुमान 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 जगर होती नामकरण कार्य अनुसार आम नामकरण कर ना ही हूँ हनुमान से श्रीक्षेत्र अनेक हनुमान स्थान अच्छे श्रीमंदिर को चिंता कले चतुर्पार्श्वर हनुमान अच्छा सिंहद्वार पूर्व द्वार फतेह हनुमान एवं दक्षिण द्वार बारवाई हनुमान पश्चिम द्वार संकट मोचन हनुमान एवं जी कि उत्तर द्वार तपस्वी हनुमान भाव में श्रीमंदिर अंतर प्रदेश मध्य अनेक हनुमान विग्रह अच्छा हनुमान सदा सर्वदा जाग्रत विग्रह श्रीक्षेत्र अनेक हनुमान से भाव रही कारण महावीर उपासना होती प्रख्यात उपासना आम तर महात्म्य कि समय पूर्व अवलोकन करुले से हनुमान नर कि बानर ना से एपर्तंत होती निर्दिष्ट आम जापार ना कि आम अहर प्रणाम करुचे जेहेतु एकादश रुद्र अवतार ज्ञान मूर्तिमंत विग्रह से हनुमान आउरी गोटे नाम ये हूँ कानपाता हनुमान कानपाता हनुमान कहले कान को सदा सर्वदा जाग्रत रखी थी वारु तांको ना हूँ कानपाता हनुमान श्रीमंदिर हूँ या पूर्व आम आलोचना करुले बैकुंठ पुराण सब यही प्रकार अनंत साई विष्णु पाखे समस्ते सेवारत रही बैकुंठ परिकल्पना कराकि पुराण लिखिंट प्रकृत बैकुंठ टी रही होती नित्य बैकुंठ जगन्नाथ महाप्रभु ये क्षेत्र नित्य बैकुंठ एवं जो क्षीरसागर बोली आम कहे ये स्थानी हूँ क्षीरसागर पाखे जो महोदधि अच्छा जिते बड़े संपूर्ण भाव धरापृष्ठ से धर्मर अवतरण घटे सेते बेले ये होती खारी समुद्रटा क्षीर समुद्र रे परिणत होते बड़े धर्मर होती संपूर्ण भाव धर्म को धारण कर चतुर्पाद धर्म धरा पृष्ठ से धारण कर ये बालुका राशि गुड़िक सुवर्ण हो कारण धर्म को लेकर प्रत्येक होती सृष्टिर परिवर्तन हुए धर्म जिते छाड़ी जाए सृष्टि बुड़ी जाए धर्म जिते उज्जीवित तो हुए सृष्टि सुवर्णमय हो जाए तेणु यह हूँ एक गतानुगतिक प्रक्रिया से नित्य बैकुंठ कहिले जगन्नाथ महाप्रभुंकर यही पुरुषोत्तम क्षेत्र ही नित्य बैकुंठ क्षीरसागर कहीं आपण मैंने देखिए अनेक समय रे समुद्र बहु उचार था किंतु श्रीक्षेत्र बहुत बहु निचारे उन्नीस अनेशत मसीह जिते बड़े अक्टोबर अंतरीश तारीख में प्रख्यात महाबात्या समस्त पृथ्वी रे चिंता कले सैटेलाइट मध्यम पूरी क्षेत्र पूरा बुड़ जा समुद्र माड़ आसुच्छे किंतु पूरी क्षेत्र महाप्रभु संपूर्ण सुरक्षित थिला तार चतुर्पार्श्वरे अनेक अघटन घटी जाए महाप्रभु पाखे पहुँचला बेलू ता प्रशमित होगा तेणु एथिरु मध्य आमे ज्वलंत प्रमाण पाउचे ज्वलंत दर्शन भी करिचे एक सब आम देखीचे जे महाप्रभु कौन करी पारंती ये हूँ नित्य बैकुंठ केवल महाप्रलय महाप्रभु ये क्षेत्र संपूर्ण बुड़े ना धर्मशास्त्र कहते जे महाप्रलय चारियाड़ जेते बेले चराचर जेते बेले
होई जीवलीन तुम्भे बट पुट तले थिब विद्यमान चराचर जेतेबेले रे लीन होई जीव महाप्रभु इठि थिबे कल्पवृक्ष थिबो सेई बालमुकुंद स्वरूप रे भगवान विचरण करिबे महाप्रलय को देखिबे तेणु ये क्षेत्रटी थाए एवं जगन्नाथ महाप्रभु जो स्थान रे बसिचंती से स्थानटी होउछि हिरण्यगर्भ सृष्टिर प्रथम स्थान केते देवता सेठ सृष्टि होइ गलेणी केते ब्रह्मांड सृष्टि होउछि आमे सब साधारण मनुष्य आमको से सब दिव्य कथा देखा जाउछि सेथिपाई ये नित्य वैकुंठ तार अन्य नाम होउछि क्षीरसागर जगन्नाथ महाप्रभुंकर पोखरिया गर्भगृह को क्षीरसागर कहा जाय थाय सेथिपाई एही क्षीरसागर रे प्रत्येक देवता माने एठी आसिकी लीन हुवंती पुणि एठारु जन्म हुवंती तेनु कहा जायछि समस्त अवतार मान जात होइ न पसे पुण वेदांत सार ब्रह्म यही वेद ही वर्णी न पारि जेहेतु क्षीरसागर रे भगवान स्वयं महाविष्णु एठी अछंती तांकर शयन पाई जो समुद्र टी रहिले ये समुद्र टी गौचंती गर्जन करे रात्र काल रे निशब्द हेगले एबे पुरी क्षेत्र रे होचंती भौगोलिक स्थिति बदली गला किंतु आमर समुद्रंकर दक्षिण पार्श्वरे श्रीक्षेत्र रे साई रहिछि जहा कि हरचनी साई बाली साई ये सब होचंती यार अर्थ कौन ना ये सब समुद्र हूँ तटवर्ती स्थान जो कह जाए पूर्व काल रे जो घर गुड़िक थिला से पिंडा गुड़ाक मध्य बहुत ऊंचा थिला एथिरु अनुमान करा जाए अनेक समय रे समुद्र मध्य आहुरी आगो को आसुथिले प्रकारांतर एबे बहुत दूर रे अछंती तेणु ये जो समुद्र रो गर्जन ये गर्जन रे भगवान जेहेतु महानारायण अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांडर हर्ताकर्ता दैव विधाता महाप्रभु समस्त खबर बुझे देव दानव गंधर्व यक्ष पर्णंग इत्यादि समस्त से धाता से जिते बड़े बहुत प्रकृत हो जाकि नेत्र चलचंचल नेत्र से तो पलक पड़ब ना तथापि लोकाचार व्यवस्था अनुसार आमर मध्य प्रहुड़ नीति अनुष्ठित हुए तेणु महाप्रभु टिके केमिति होउचंती आनंद रे शयन करिवे ये समुद्र जो गर्जन ये समुद्र गर्जन रे महाप्रभु शयन केमिति करिवे ये गर्जन होउथिबारु प्रभु शयन करि पारन्ते कि शयन न करि पारि कि मध्ये समुद्र को किछि कहि परिबे नै काहेकि ना से तांकर ससुर तेणु वरुणंकर कन्या होउचंती महालक्ष्मी सेथिपाई ना नारायण एथि नारायण स्वतंत्र भाव रे समुद्र को जाई थांती अमावास्या ससुरालय को श्रीक्षेत्र रे ई जो महान परंपरा ई जो महान उपासना मध्य रे अनेक तत्व अंतर्निहित भाव रे अछि तेणु देखिले भगवान जे करिवे कौन हनुमान को निर्देश कले कहले हनुमान सब पारिबे कहीं जहा असाध्य हनुमान पाखे साध्य असाध्य बोली पाखे कि हनुमान जहाँ न करे आउसी भक्त भगवान करमर्थ्य ना तेणु हनुमान को निर्देश है जे समुद्र तर धर्म रखत सी तर आसबे जीवे गर्जन करेंगे सब करे तमें कान पातिक रे समुद्र गर्जन किभली भाव में महाप्रभुंकर पाखक न आस तेणु हनुमान से दिन ठार जाग्रत हो गले कानपाता हनुमान स्वरूप कानपाता हनुमान स्वरूप गोटे कार्य है
ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଜନ କେବେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଶୁଭିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ନିର୍ଜନ ରାତ୍ରରେ, ଏବେ ତ ଗାଡ଼ି ମଟର ଭଲ ମନ୍ଦ କୋଠାବାଡ଼ି ବହୁତ ଅତ୍ୟଧିକ ହେଇଗଲାଣି, ସେତେବେଳର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ବାଲିବନ୍ତ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ତା ଭିତରେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଜନ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଭୁଥିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅନ୍ତର ପ୍ରଦେଶକୁ। ଏଇ କାରଣରୁ କାନପାତା ହନୁମାନ ଯେଉଁଦିନ ଠାରୁ ଗର୍ଜନ ଶୁଭିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱଟି ତାଙ୍କର ନେଲେ, ସେହି କାଳରୁ କାନ ପାରିକିରି ହନୁମାନ ରହିଲେ। କସ୍ମିନ କାଳେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ହେଉଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ, ବରୁଣ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମୋତେ ଦିଅ, ତେଣୁ ମୁଁ କାନ ପାତିକିରି ରହିଲି, ବୈକୁଣ୍ଠରେ ନାରାୟଣ ଶୟନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବୈକୁଣ୍ଠର ଭିତରକୁ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଜନ ଶୁଭିବ ନାହିଁ। ସେହି କାଳରୁ ହନୁମାନଙ୍କର ନାଁ ରହିଲା କାନପାତା ହନୁମାନ, ଯାହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସମୁଦ୍ରର ଭୀଷଣ ଗର୍ଜନ ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୟନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ସେ ହନୁମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମକରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି କାନପାତା ହନୁମାନ, ବିରାଟକାୟ ମୂର୍ତ୍ତି, ଯାହା ହେଉଛନ୍ତି ଉଗ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ରଣେନମ। ବିରାଟକାୟ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ୱରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ହନୁମାନ ଉପାସନା, ହନୁମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ହନୁମାନ ରହିଗଲେ। କାରଣ ଏଠି ଉଡନ୍ତା ମହାବୀର ଅଛନ୍ତି, 163 ଶତାବ୍ଦୀର ଭୀଷଣ ତୋଫାନ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନୀଳଚକ୍ର ଯେତେବେଳେ ହେଉଛନ୍ତି ବଙ୍କା ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେଇ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ସିଧା କରିହେଲା ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ସନ୍ଥଦାସ ନାମକ ଜଣେ ହନୁମାନ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ହନୁମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ରକ୍ଷକ, ସମସ୍ତେ ମିଶି ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସବୁ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ଅକସ୍ମାତ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳକାୟ ହନୁମାନ ଆସି ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ କୁଦା ମାରିଦେଇ ବଙ୍କା ହୋଇଯାଇଥିବା ନୀଳଚକ୍ରକୁ ସିଧା କରିଦେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଡେଇଁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଡନ୍ତା ମହାବୀର ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇକି ଅଛି। ପୁରୀର ଗଜପତି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଉଡନ୍ତା ହନୁମାନ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ହନୁମାନ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଲୀଳାଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ବିସ୍ମୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ହନୁମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ସେ ଚତୁର୍ଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ଦ୍ୱାରରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଷ୍ଟ ମହାବୀର ଭାବରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ସେବା ପାଇଁ ଅନୁରକ୍ତ। ଯିଏକି ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ଗର୍ବକୁ ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜନ କରିପାରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ତପସ୍ୱୀ ହନୁମାନ ଭାବରେ ମହାନ ତପ, କାରଣ ହନୁମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଯୋଗ ସାଧନ କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଯେହେତୁ ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ଅବତାର, ଯୋଗୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ହନୁମାନଙ୍କୁ, ତେଣୁ ତପସ୍ୱୀ ହନୁମାନଙ୍କର ନାଁରେ ଅନେକ ତପସ୍ୟା କରିଥିବାରୁ, କାଳ କାଳ ଧରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ତପସ୍ୟାରେ ରତ ଥିବାରୁ ହନୁମାନ ସଦାସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥାନ୍ତି, ନାମ ରଟନ କରୁଥାନ୍ତି, 24 ଘଣ୍ଟା ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଭିତରେ ନିମଜ୍ଜିତ ଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ହନୁମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ବଡ଼ ରହସ୍ୟମୟ। ଜନ୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଅନେକ ନାନା ପ୍ରକାରର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି, ଜନ୍ମ ସମୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ନାନା ମତ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। କାରଣ ହନୁମାନଙ୍କର ସବୁଗୁଡ଼ିକ ରହସ୍ୟ, ଏତେ ରହସ୍ୟ କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କର ଏତେ ରହସ୍ୟାବୃତ ହୋଇନାହିଁ। ବାୟୁ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ହନୁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଲେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ହନୁମାନ ଜନ୍ମ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ବୈଶାଖ ମାସ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ହେଉଛନ୍ତି ପାଳନ କରିଥାଏ ଉତ୍କଳରେ, କିନ୍ତୁ ବାୟୁ ପୁରାଣରେ ହନୁମାନ ଜନ୍ମ ରହିଲା ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ। ଆଶ୍ୱିନ ସିଆ ସିତେ ପକ୍ଷୀ
सत्यम भौमे चतुर्दशी मेषे लग्नेंजना गर्भात स्वयं जातो हर शिव। अर्थात आश्विन मासर कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि रे स्वाति नक्षत्र रे मेष लग्न रे अंजनांक गर्भरु हनुमान रूपरे शिव जात हेले या भौचंती आनंद रामायण को यदि आम अवलोकन करवा भगवान को नहीं कहली सबू रहा आवृत आनंद रामायण रे कह जाय छी चैत्र मास सिते पक्षे हरि तिथ्याम मघाविभेम नक्षत्र स समुत्परने हनुमान रिपुसुदनम महाचैत्र पूर्णिमायम समुत्परणम जनि सुतहम वदन्ति कल्पभेदेन बुधा इत्यादि केचन। अर्थात हनुमान चैत्र मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथिर मघा नक्षत्र जन्म होती बोलिक आनंद रामायण रे कह केवल पंडित माने कल्पभेद रे चैत्र पूर्णमी दिन हनुमान जन्म होता कहती आस जहा कि स्वतंत्र भाव रे चैत्र मास ऋतुराज बसंत आगम थाए कारण ता बसंत ऋतुटा भोग होता है चैत्र पर्यंत से हनुमान जन्म उपरे अनेक रहस्य रही तर जन्म तिथि की नहीं बहुत प्रकार पुराण मानक बहुत प्रकार रहस्य अच्छी तेणु सूर्यंकर मंद किरण सुखद और शांतिप्रद होता है तापर प्रखरता न था नदी और पुष्करिणी जल स्वच्छ थाए बसंत आगमन हेतु बनगिरी प्रांतर सबु सुबासित पुष्पर भरी हुई अपूर्व रूप धारण करिथाए भ्रमर माने दल दल हो गुंजन शब्द करुथांती मधु आहरण मधुवान करुथांती मधुआहरी माने एवं वायु मध्य शोषितल थाए मंथर थाए ये होती ऋतुराज बसंत आगमन थाए चैत्र मास पर्यंत तेणु चैत्र पूर्णिमार शीतल चंद्र जोत्स्नार अविरत अमृत धारा मध्य भगवान शंकर एकादश अवतार अर्थात रुद्र अवतार रूप से महाबलशाली बुद्धिमान श्रीराम जी कि एकनिष्ठ भक्त महावीर हनुमान अंजना देवी गर्भरु जन्म होते बोलिक शास्त्र अच्छी जन्म होला बेले हनुमान सौंदर्य और अतुलनीय अवर्णनीय थिला शरीर तांकर शरीर कांति पिंगल वर्ण देखा जाए लोम केश नेत्र पिंगल वर्ण से विद्युत तुल्य सुवर्ण रे तैयारी कुंडल धारण करी कौपिन पिंधि जन्म होते तेणु जहाँकि बक्षरे यज्ञ उपवित शोभा पाए अंजना देवी पुत्र अपूर्व रूप लावण्य देखी आनंद विभोर हो जाते कपिराज केशरी आनंद कहले न सरे चतुर्दिगरे आनंदर लहरी खेली जाए देव दानव बुद्धिमान सह सचराचर पशु पक्षी मध्य आनंद उल्लास रे जय जयकार नादरे गगन पवन मुखरित करी देउथिले तेणु चैत्र मास रो आउ गोटे वैशिष्ट्य थिला सेई मास शुक्ल पक्ष रे श्रीरामकर जन्म मध्य होइथिले कारण भगवान श्रीरामकर आविर्भाव आपण माने जानती चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी रे तेणु राम हनुमान को जन्म रो हेतु ही चरु यही चरु खाई कौशल्या गर्भवती होते और से ही चरु खाई अंजना देवी गर्भवती होते कह तेणु केतेक मतरे हनुमान चैत्र मास शुक्ल पक्ष जन्म होइथिबार संभावना खूब बेसी अन्य केतेक मतरे जहाँकि महाविषुव संक्रांति दिन हनुमान जन्म एपरी हनुमान जन्म समय नहीं नाना प्रकार मत देखा मिले तेणु आमर विविध शास्त्र अनुसार विविध प्रकार बहुत मत रही हनुमान बाबद सर्वाद आम देखा हनुमान उपासना होती गोटे महान उपासना जिते जहा था हनुमान केवल नाम को स्मरण करदे आम निश्चित भाव प्रत्येक दुर्गम कार्यगुड़िक सुगम होता
ତେଣୁ ଆଉ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କୌଣସି ଦେବତା ଆବିର୍ଭାବ ନ ହୋଇପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ହନୁମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇପାରନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କର ବହୁ ରୂପ ଧାରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଯେହେତୁ ଅଛି, ହନୁମାନ କେତେବେଳେ କେଉଁ ରୂପ ହେବେ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନା। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହନୁମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଗବାନଙ୍କର, ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଆମ ଭଳିଆ ସବୁ ମୂର୍ଖ ହେଉଛି ହନୁମାନଙ୍କ ଭକ୍ତ। କାରଣ ହନୁମାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ସାରା ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଯେଉଁମାନେ ହନୁମାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିକି ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ସିଦ୍ଧିତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର କଥା, ନାରାୟଣ ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ହନୁମାନ, ହନୁମାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଏ ହନୁମାନ ଉପାସନା, ଇଏ ଉପାସନା ଆଜିର ଉପାସନା ନୁହଁ, କାଳ କାଳ ଧରି ଯେହେତୁ ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ ଚତୁର୍ଯୁଗର ଉପାସନା ଅଛି, ଏଠି ବର୍ଗୀ ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି, ବେଳି ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି, ସିଦ୍ଧ ମହାବୀର ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜେଗା ଆଖେଡ଼ା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିବିଧ ପ୍ରକାର ମହାବୀର ଅଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୂଳଠାରୁ ଚୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହନୁମାନ। କାରଣ କୌଣସି ବିଗ୍ରହ ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବକ୍ଷଦେଶରେ ନ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୂଳଠୁ ଚୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇବେ। ତେଣୁ ଇଏ ହନୁମାନ ଉପାସନାଟା ଏତେ ବ୍ୟାପକ ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ଖାଲି ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ର ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ବୃନ୍ଦାବନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାଶୀ ଅବନ୍ତିକା ରାଜସ୍ଥାନ ଠାରୁ ଯେତେ ଆମର ହେଉଛି ପ୍ରଦେଶ ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶରେ ହନୁମାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅସଂଖ୍ୟ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପୁଣି ଚାଲିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବାର ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି, ଜନମାନସରେ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଜି ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳବାର, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାରପଟିଆ ପିନ୍ଧିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କରନ୍ତି, ହନୁମାନଙ୍କର ଅନେକ ସ୍ତୋତ୍ର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ବିବିଧ ହନୁମାନଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ସ୍ତୋତ୍ର ଅଛି, ଏକମୁଖୀ ସ୍ତୋତ୍ର ଅଛି, ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ଅଛି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ସ୍ତୋତ୍ର ହନୁମାନଙ୍କର ରହିଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମଙ୍ଗଳବାରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେବଳ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବି କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାର ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ, ଅନେକ ଗ୍ରହରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କଲେ ତ ଉତ୍ତମ କଥା, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଙ୍ଗଳବାରଟା ହେଉଛନ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶସ୍ତ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ହନୁମାନଙ୍କର ଉପାସନା, ଏବଂ ହେଉଛନ୍ତି କାନପାତା ମହାବୀରଙ୍କର ଇଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି କ'ଣ ପାଇଁ, ଏତଦ ବ୍ୟତୀତ ହନୁମାନଙ୍କର ସିଏ କ'ଣ, ଆମେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଲୋଚନା ୟା ଭିତରେ କଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଇଲେନି, ନା ସେ ନର ନା ସେ ବାନର, କେତେବେଳେ ନର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବାନର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ହେଉଛନ୍ତି ବିକଟ ରୂପ ହେଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସୁଖମ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ, ସେ ସଦାବେଳେ ସେହି ରହସ୍ୟାବୃତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ସେହି ଭଗବାନ ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ଅବତାର ରହସ୍ୟାବୃତ ହନୁମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ସମର୍ପିତ ପୂର୍ବକ ଆଜିର ମୋର ବାଣୀକୁ ମୁଁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି, ଏବଂ ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଘୋଷକ ପଣ୍ଡିତ ଭଜରାମ ଶତପଥୀ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଆମର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ଚାଲିଛି।